नमस्कार, आप सभी को तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में वैश्विक कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इस सप्ताह हम दर्शकों को कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज, तवांग के लोगों तथा उस क्षेत्रों के मठों एवं गैर सरकारी संगठन के संयुक्त तत्वदान में आयोजित 17 से 27 मार्च 2018 में अरुणाचल के छूथांगों से आसाम के तेजपुर तक की पदयात्रा का संक्षिप्त डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रस्तुत करेंगे। यह भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा पिछले 60 वर्षों से तिब्बतियों का निरंतर समर्थन और सहयोग देने के प्रति आभार प्रकट करने के लिए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व में वर्ष 2018-19 को थैंक यू इंडिया वर्ष के रूप में मनाया गया था। इसी क्रम में कोर ग्रुप ऑफ तिब्बतन कॉस, तवांग एवं पश्चिम कमेंग जिला के लोगों तथा उस क्षेत्र के मठों एवं गैर सरकारी संगठन के संयुक्त तत्वदान में अरुणाचल प्रदेश के छूथांगों से आसाम के तेजपुर तक पदयात्रा का आयोजन किया गया। ये पदयात्रा परम पावन दलाई लामा जी के 1959 में छूथांगों से तेजपुर तक की प्रथम यात्रा का स्मरण करने के लिए 27 से 27 मार्च तक आयोजित की गई। छूथांगो भारत के सीमा का वह क्षेत्र है जहां सन 1959 में परम पावन दलाई लामा जी ने भारत की धरती पर पहला कदम रखा था। Я вот там же кибо кусун тоже ютен чая, чика там нам вот с кетин бимбру нет да, шую винде шо за вот да, а там узую, да я чика тем же гида,
सच है मतों का मैं आस्था वैसे ये सिक्किम ने शुद्ध ची हम पूरी भारतीय को चिंता करना जरूरी है कि इस जो समस्या हम लोगों के सामने है तिब्बत और भारत जो दलाई लामा जी का समस्या है उसको कभी न कभी हमें सुधरना चाहिए इसके लिए आवाज बुलंद कर आवाज उठाना हम लोगों का भारतीय गौर का कर्तव्य कर्तव्य है उसको याद दिलाने के लिए जिस जगह में वो सबसे पहले हिंदुस्तान में दलाई लामा जी के आज 7 साल के पहले पांव रखा था वहीं से हम लोग नमन करने के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुआ है तो इसीलिए ये आज का दिन जो है बहुत लोगों का यह सोचता होगा कि भाई यहाँ से आए हैं वहाँ जाने के लिए वो इसलिए हम लोगों का यहाँ नमन करने के लिए यहाँ आया हुआ है संकल्प करने के लिए हम लोग यहाँ आया हुआ है इसी रास्ते से ही आज जिस तरह से हम लोग एकत्रित हुआ है उसी तरह से हम इसी रास्ते के साथ इनके साथ हम आगे तक उनको विदाई कर सकें या हो सके तो हम तिब्बत तक जाएं जिनके साथ में उनको आप पहुँचे इस संकल्प के साथ इस प्रार्थना के साथ में आप लोगों सबके सामने आप लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं समाप्त करता हूँ जय我做对等的这边路过，送些能安去，我等等，啊，到往广东过，啊，等等，从中国从澳洲，那么俺们那边也不，那么老亲爷的过去有，我做那样，啊，拍片那边。以前两月那大，他一到做帮亲顶住那个，手根根迷茫那子，做久也是。 我当玉米那用作是一直就叫我们去，叫我们弄土坡米啊，全部堆着去。我当门龙伯个，春节里温顿托个，这天那么多农民现在嘞，一年也我当些去农谷，他我当些光背一亩，地背一亩，南背一亩，他那俺们来讲吧，也是二兄弟们听里面呢，我是一直堆着，别管那些我当些，晓得学有啥手机，我当每天呢啊，路过还上天地一亩人呀。不能把问题，俺们来老家给啥听都是单没哎。
भारत की भूमि में प्रवेश किए, जिसका दर्शन हम लोगों ने कल शाम के किया, एक मन में बहुत इच्छा है कि उस शांति दूत का, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के शांति दूत का एक बार हम तहे दिल से अभिनंदन करते हुए उसी रास्ते से तिब्बत की उस पवित्र भूमि में भेजने का काम करेंगे और करना चाहते हैं, जहां पर कि हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया सांस्कृतिक धरोहर का एक बहुत ही मजबूत स्थान और प्रतिबिंब देखना और देखती रही है। मित्रों, हम आपको सबको इस पवित्र भूमि पर, अरुणाचल की इस पूरी पृथ्वी पर और पूरे पूर्वोत्तर राज्य के जो भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका स्वागत, अभिनंदन और नमन करता हूँ। यहाँ मैं खास तौर पे एक ही बात आपके कहना चाहता हूँ कि इस समय में चाइना और तिब्बती और हिज होलीनेस के बीच में जो चल रहा है, वो एक धर्म और अधर्म का युद्ध चल रहा है। हिज होलीनेस ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे तिब्बती भाइयों बहनों को बंदूक उठाओ, किसी को मारो, बम उठाओ, बम चलाओ, आज तक इन्होंने किसी बोला नहीं है। अपने तपस्या में है, अपने पूरे धर्म के रास्ते में शांति, लोगों को प्रेम करुणा सब दुनिया में फैल रहा है। और हमारे इतिहास, इस देश के 5-6 हजार जो पुराने जो संस्कृति है, वो हम जब देखते हैं या दुनिया के जितने संस्कृति वहां देखते हैं, धर्म का जीत होता है, अधर्म का जीत नहीं होता है। इसलिए अगर आपके मन में अगर संकट है कि तिब्बत कभी आजाद नहीं है, ये भूल जाइए, तिब्बत जरूर आजाद होगा, यह आपको मैं आपको सामने बताता हूँ। और यही आजाद का मूल मंत्र जो है, उनका धर्म जो, उनके जो सच्चाई, आज तक उसी रास्ते में जा रहा है, वो सबसे बड़ा ताकत है। ཁྱི ཕྱད མི ཡོད ཀྱི སེར རྒྱ ཡོང ནས པེ ན ལེན དང ཡི ཤེས སུ ཚིམ མ མེད པ ལོ ངེས ཚོ རྒྱུར ཐོག དེང དུས ཀྱི ཤེས ཡོད ཀྱང ཡར ཐོན དགོས པའི ད ལོ ནང ནམ ཀྱང དུས དེན དེ གབ ཉིན ཀྱང ཞུགས རྒྱུ ཀྱི ད ལམ དེ དུས ཁོ དེ ཚོ ཅུང དང ད དང གི ཆང དོན རྣམ དང ཚོགས ཀྱི ཅིན དག ད 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
कुछ शब्द थे जो मैं मेरी से जा मेहमान नाम ना काजी जुमर तो वादन रिंबुर में तो बाला रिया मेरी ने हासा पर शब्शु बिल्कुल मैं जो शुद्धि ते ये तो जा मेरे चुप्पी चिंता सुबह से निशु ने आवाज के में कंगन के में दे तुझे जरूर तू बेस्ट जन
Thank you.
तो तवांग में हर जगह पे हर जो गांव जो वासी है उन्होंने बहुत ही अच्छा ढंग से जो दलाई लामा जी साक्षात जो आता है वैसे ही किया था। अभी हमको यहां में देखने मिला है सेवा से आप लोग यहां संगे में बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। मैं उम्मीद करता हूं यहां से दिरांग और बंदिला केसपुर तक ऐसे ही हम लोग जाएंगे और लास्ट में जो अंत में
मैं आप सबको हमारे कोर ग्रुप की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सबका शुभकामना और प्रार्थना हमेशा करना है और याद ये रखो कि बोधी लैंग्वेज हमारा अपना लैंग्वेज है, उसको हम लोग प्रिजर्व करना है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।
उस समय में काफी 8-9 साल के थे ना, उस समय हम लोग थे उसके,
हम लोग ने ही सोलह दलाई लामा को यहाँ दर्शन किया, यहाँ दर्शन माँ बाप के साथ थे, यहाँ से आए थे तो यहाँ ये जिस तरह से खुला हुआ था पहले ये रास्ता भी हमारे समय में उसके 1996 में मैंने इस रास्ता को वो बनाया था, वो हाईवे करा दिया था, हाईवे करा के बना के आके तब पहले तो यहाँ से ऐसे जाते दो टर्निंग जाके ऊपर से वो चला जाते थे। तो हम लोग सब यहाँ में क्योंकि हमारा रास्ता हम लोग तो पैदल आता था नीचे दोबारा से, तो जब दोबारा से पैदल आता था हमको तो यहाँ बाएं ओर के जाना था और गाड़ी यहाँ से आता था तो पूरा यहाँ से आके यहाँ इस समय में वहाँ में शायद हमारा बड़ा भाई सब बड़ा भाई पूछते याद हुआ रहेगा यहाँ खाना वाना रोक लेकिन जरूर रोका है चाय वह तो जरूर पिया है और हमको याद हम लोग को याद था। तो उस समय उनका एक इसलिए लामा देश में तो नहीं था मुझे थोड़ा सा तो याद है वही कच्छिन का वो छुपा लगा के ऐसा करके तब तो हमें सबको दर्शन करके आया हुआ था। तब तो बहुत जवान थे तो उस तरह से हमें इसलिए आके और इसीलिए ये इस जगह का Thank you.
आनंद का असर है कि हम महामहिम दलाई लामा जी के भारत प्रवेश के 60वीं वर्षगांठ तेजपुर में तवांग अरुणाचल वासी और तिब्बत के लोगों के साथ तेजपुर में हम मना रहे हैं। हम भारत तिब्बत मंच सहयोग की तरफ से आप सब पद यात्रियों का आज की सभा में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि हम स्वागत क्यों करें। स्वागत अपनों का होता है, गैरों का नहीं। स्वागत उन्हीं का होता है जिनसे दिल मिलता है। और हमारी और आपकी भाषाएं अलग हो सकती है लेकिन दिल एक है, हमारा डीएनए एक है। जले दीप भाई के सुमन खुशियां सबको बांट दो, जले दीप भाई के सुमन खुशियां सबको बांट दो। आसमान धरती पर उतर जाए, आसमान धरती पर उतर आए, कुछ ऐसा कर दो। ए प्रभु आपसे यही प्रार्थना है, हमारे तिब्बत भाइयों की, हमारे तिब्बत वासियों की मनोकामना पूर्ण कर दो। धन्यवाद। भारत और तिब्बत और जी 1959 जीदिना तिब्बतर हिज हॉलिनेस दलाई लामा पलाय आमार भारतवर्ष पाइसिल, तार माने आमार आही तेजपुर पाइसिल ही। और हे दिना आमार दरंग कॉलेज तेखेतक फर्स्ट तेओ माने राइजर आगत मुकली होइसे, फर्स्ट पब्लिक स्पीच बा पब्लिक एपीरियंस हिज हॉलीनेस दलाई लामा वाज गिविंग टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड इन द प्लेग्राउंड ऑफ दरंग कॉलेज इन 1959 इन द मंथ ऑफ मार्च। आरो मैं आज गौरव अनुभव करिसु। तो आज हम क्या कर सकते हैं परम पवन जी के अभी सेवा में, इनकी और ऑफरिंग के रूप में हम क्या सेवा कर सकता है, ये एक सोचने का समय पर पहुंचा है। तो इसलिए इस पर हमारा यहाँ श्री आर के किरमी जी के गाइडेंस में उनकी चेयरमैनशिप में हम आज इस तरह से एक पाद यात्रा करने का मौका मिला। तेजपुर में हम इस तरह से पाद यात्रा किया, पहले बार है। परम पवन जी 1959 में आए हैं और आज 2018 में हम इस तरह से परम पवन जी जैसे आया उस तरह से एक रीलिविंग करने का मौका मिला। और आज यहाँ पर हमारे जितने भी मित्र, आप लोगों ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। जितने भी हम यहाँ में पाद यात्रा में पार्टिसिपेट किया, हम मेंबर्स लोगों का और से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बगल में जो हमारी संस्कृति को जिंदा रखने का स्थान रहा है, लालन नालंदा की संस्कृति हिंदुस्तान के लोग जिंदा नहीं रखते, बल्कि नालंदा की संस्कृति को तिब्बत के मित्र तिब्बती लोग आज भी जिंदा रखते हैं। हम सारनाथ को जानते हैं, हमारे यहाँ कोई सेटलमेंट तो नहीं है उत्तर प्रदेश में, पहले था देहरादून में, लेकिन उत्तराखंड बटने के बाद सेटलमेंट खत्म हुआ। लेकिन आज सारनाथ में इस पूरी प्रक्रिया को, नालंदा की संस्कृति को बचाने के लिए एक प्रयास जारी रहता है। लेकिन
परम पावन जी के निर्देश पर, परम पावन जी के अगुवाई में, उनके आत्मविश्वास के साथ जिस तरीके से शांति का माहौल पैदा हुआ है, विश्वास का माहौल पैदा हुआ है, उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और हमें उम्मीद है कि कोर ग्रुप इस तरीके के प्रयास को पूरे हिंदुस्तान में चलाने में सक्षम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं से विराम देता हूं। जय भारत, जय तिब्बत। मुझे आज इस सभा में ये मैं समझता हूं कि ये बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक इसलिए है कि हम लोग 7 साल के बाद जिस जगह में परम पूज्य दलाई लामा जी ने यहाँ उनके पवित्र चरण यहाँ सबसे पहले रखा है, और उस पवित्र चरण में रखने के साथ साथ तेजपुर वासियों ने जिस तरह से उनको आदर और सम्मान के साथ स्वागत किया है, उस जगह में हम लोगों का भी यात्रा आज समापन समारोह हो रहा है। दूसरा इसलिए खुशी भी है कि मुझे दरन कॉलेज प्रिंसिपल आज हम लोगों के बीच में उपस्थित है, और आपसे मालूम पड़ा कि परम पूज्य दलाई लामा जी ने 1959 में जब यहाँ तेजपुर में आए थे, दरन कॉलेज के फील्ड में ही सबसे पहले पब्लिक संवर्धना किया गया है। और मुझे उससे इसलिए उसके दोनों चीज़ का जानकारी खुशी इसलिए है कि मैं भी दरन कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं भी वहाँ पढ़ा था। तो मुझे बड़ा आज बहुत इस माहौल में तेजपुर में बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से हम लोगों का जो यात्री 11वां दिन से यहाँ आते समय में जो पहुँचा है। मैं राजनीति में करीब 40-45 साल हो गया है, अब मैं हाफ सेंचुरी मारने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते कहाँ तक बातें हैं। लेकिन और बहुत सारी राजनीति का रैलियाँ भी किए, इस तरह पर यात्राएं भी किया है, रैलियाँ उनको किया है, लेकिन इस समय के आज इस साल के जो हम लोगों ने जो पदयात्रा किया है 17 मार्च से लेकर 27 मार्च तक जो तेजपुर में समापन हो रहा है, उसको देख के समझते ही मुझे बहुत ही प्रसन्नता और आश्चर्य हो रहा है। कभी समझता है कि इनका महात्मा का आशीर्वाद इस तरह से भी होता है, समझ के भी नहीं आता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग 17 तारीख को जब वहाँ से छूट हम जो वो कुल 2.5 किलोमीटर दूर है तो चाइना बॉर्डर के पास से, वहाँ से जब हम लोग शुरुआत करके जब आए हैं, हम लोगों के साथ कम से कम 200-300 रोज चलते रहे और 60-70 गाड़ियाँ चलते रहे, तरह तरह का जगह जगह हुआ, एक एक हर एक गांव में रोकना, हर एक गांव में लोगों के साथ मिलना, उनका चाय पीना, उनके जो कुछ वो सम्मान के साथ हमें देता है खाना, अलग अलग जगह में अलग चीज़ खाने के बावजूद भी 11 दिन हुआ, किसी का ना पेट दर्द हुआ, किसी का ना माथा दर्द हुआ, ना कोई गाड़ी का कोई चीज़ का समस्या हुआ। क्या आशीर्वाद है मेरे गुरुओं का। इसी तरह से मैं नहीं कहता हूँ कि हमारे गुरु का मतलब, इसी तरह से सब धर्म के गुरु का इस तरह से है, और यही ताकत है हमारे देश का। हमारे देश का जो परंपरा है वो धर्म हमको दिखाई देता है कि कभी धर्म का ही जीत होता है, अधर्म का जीत नहीं होता है। हम लोगों ने तो देखा तो पराज तो नहीं है, लेकिन धारावाहिक रामायण देखा है, महाभारत द्वारा देखा है, धारावाहिक द्वारा वहां में दिखाई देता है कि बीच में लगता है कि अधर्म जीत रहा है, लेकिन धीरे धीरे जाते जाते अंत में धर्म का ही जीत होता है। ये मसला आज दलाई लामा जी एक धर्म के रास्ते पे लोगों को शांति, लोगों को प्रेम, करुणा सब कुछ दे के चल आगे बढ़ना, और एक तरफ चाइना मत बोलो, चुप बैठो, इधर जाओ उधर ना मारे तो गोली मार दो, एक अधर्म का लड़ाई खूब जोर से चल रहा है। और हम अगर हमारे अगर इतिहास को देखें तो धार्मिक का धर्म कहे जीत होता है, इसलिए दलाई लामा का जरूर जीत होगा, इसमें दो राय नहीं। इस जीत के साथ, इस आशा के साथ, इस आकांक्षा के साथ आपने जो इज्जत दिया, जो जिस तरह से मैं साथ साथ एक कन्वीनर होने के नाते यात्रियों को, जिसने आज 11 दिन तक हमारे साथ में कोई किसी का कंप्लेन नहीं, मेरा काम छूट गया है, मेरा घर पे ये हो गया है, मेरे घर से ये टेलीफोन आ रहे, क्योंकि आजकल तो
कहते हैं उसमें फास्ट टेक्नोलॉजी का समय हो गया है, आपके उसमें मोबाइल में खबर आ जाता है, टेलीफोन पे नहीं आता, मैसेज आ जाता है, व्हाट्सएप आ जाता है, किसी के लिए कोई किसी तरह से 11 दिन तक कोई कंप्लेन नहीं किया। उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों को, पर बहुत बहुत आंतरिक धन्यवाद देता हूँ। और इससे मालूम पड़ता है कि आपके आस्था, आपका वो जो धीरता हमारे इस समस्या में कितना जोर है, कितना ताकत है, उससे देख के हमें जो बहुत ताकत मिलता है। और मुझे भविष्य में भी इस तरह से आप लोग सहयोग करते रहेंगे इस दो बातों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय तिब्बत। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करता हूँ BTCM के प्रेसिडेंट लुल्लू साहब से, जो पद यात्रा में आए हैं पद यात्री, जो ये संगठन है, वो संगठन के लोग भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहते हैं, जो भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ता और देशपुर की जनता जो इस कार्यक्रम में यहाँ आई है, इस कार्यक्रम में दिन रात लगी है, उनको सम्मान करना चाहते हैं। जो भी यात्री पदयात्री इस पद में शामिल हुए हैं, सबसे अनुरोध है कि जब मंच पर आए Okay.
Elected political leadership. I not elected, but somehow through centuries the spiritual hat like that. If you don't mind, just complete the whole. Oh yes, yes. Now it becomes quite clear. The Buddhism in general, particularly Nalanda tradition. I think as a Nalanda tradition, we should consider academic Nalanda academic sort of institution, not just a few hundred monks there. No, I think academic. So the many masters come from that institution in different fields, logic, like Dignak and Ramakirti, and the later Chandrakirti. These are great logicians. So they always, you see, when anything explained through reason, not through quotation. So that one, we usually teach students hygiene of physical, including how to grow hair. So similarly, now I feel it is really necessary our education field strictly the secular way that should include hygiene of emotion from kindergarten level in their study, including how to keep peace of mind, how to tackle this destructive emotion. So therefore, now the language which can explain this tradition more precisely is only Tibetan, not modern Hindi, no. Sanskrit, that language. English, of course, no hope, some different. So today, it is really worthwhile study Tibetan, whether you call Buddhist language or whatever you call, doesn't matter. The reality is the letter of Kanjur and Tenjur. Now that important, including Bhutanese, they may call
because of Tsonga, Tsonga, Tsonga. So they actually, Ka Tsonga, Tsonga, or actually, Kenju, Tenju in Tibetan. So they pay more attention for Tibetan language. It's very good.我们就学不去搞这些，你这那不专门做的事噻？而且他投入这样子不是靠学不从事，你这下次学了，你这，现在我们的同学们啥子人也没学，是吧？没人嘛，你就在那，哎，你到什么三十马路前面去走了，差不多是要的吧？哎，你年轻的，大气点的，年轻的，用的这各种门道学的，没别处处。 इसी के साथ इस सप्ताह के तिब्बत संबंधित कार्यक्रम का प्रस्तुति यही समाप्त होता है। अगले सप्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।